हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत आपने वीडियो देखी होगी, बहुत सुना होगा। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मनी मैनेजमेंट जो है वो आप उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज हम करेंगे सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि जो रिटेलर होता है आप और मैं, हम रिटेलर है, हमको बस यही नहीं पता होता है कि लॉस कितना होगा ट्रेड में और प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट जब होगा वो प्रॉफिट जब बाद में भी जुड़ जाता है, प्रॉफिट तो हम जोड़ लेते हैं पहले ही कि कितना होना है। 10,000 हो जाएगा इस ट्रेड में, आज इस ट्रेड में 2 लाख हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। लॉस, मेन लॉस, अगर आपने लॉस जोड़ा है तो आपको डर ही नहीं लगेगा ट्रेड में। आप 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे होल्ड कर सकते हो, और आपको पता नहीं है तो हर ट्रेड में लॉस करोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा 10 रुपये ऊपर जगह काट दो काट दो, क्या बताओ आपको 100 रुपये दे दे। ठीक है गाइस, तो मेन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का। एक बहुत अच्छा आप स्ट्रेटेजी के वो पीछे भागते हो कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी है, वो स्ट्रेटेजी अच्छी है। स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता, पैसा बनता मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क और डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ों को हम एक ही जगह लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट होता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का, यानी कैपिटल को आपने यूज करना है, कितनी गन बचाना है, कैसे बचाना है। मेन मनी मैनेजमेंट को यही होता है मनी मैनेजमेंट। आप कितना भी बात को घुमाओ, इधर ले आओ उधर ले आओ, आपको समझ में नहीं आ रही। मनी मैनेजमेंट में आपको मजाक लगता होगा, और मजाक नहीं। मेन रिस्क मैनेजमेंट पे आप कभी मजाक मत समझना कि मजाक है इसको हम छोड़ दें, क्योंकि यही आपको आगे भी काम आएगा और यही आपको अभी भी काम आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप, आपके पास समझ लो आपके पास कैपिटल है 10K। ठीक है, अब आप 10K की कैपिटल से ट्रेड करते हो। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप जो ट्रेड करते हो कैसे करते हैं। आपकी कैपिटल है 10,000, आपने ट्रेड लिया, आपने समझ लो 100 रुपये का प्रीमियम उठाया, आपने देख लिया कि 100 रुपये में मैं निफ्टी में 4 लोट ले सकता हूँ। ठीक है, मेरी कैपिटल पूरी लग गई, अब अपने पूरी कैपिटल को यूज कर लिया। ठीक, अच्छा हुआ कर लिया, अब कर तो लिया, अब पता क्या है कि इसका लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा नहीं पता आपको। आपने ट्रेड ले ली, बस जब मार्केट आपकी तरफ चलेगा 1,000, 2,000, 5,000 बहुत अच्छा लगेगा, जब नुकसान होगा जब अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, पता ही नहीं होगा ना नुकसान होगा कितने का, तो अच्छा कैसे लगेगा। 10,000 की कैपिटल तो बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मैंने भी शुरू में किया। 10,000 से कुछ नहीं हो सकता भाई, 10,000 से बहुत डिसिप्लिन और बहुत मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से हो सकता है। पर बिगनर के पास इतना शुरू में नहीं होता है, मैं भी शुरू में बिगनर था, मेरे पास भी नहीं था इतना दिमाग, तो मैंने उसको बहुत बार जीरो करा। ठीक, तो हिसाब भी करोगे, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। स्टॉक मार्केट में जो आया है वो नुकसान तो करेगा, ये तो पक्की बात है, पर नुकसान कम हो इसलिए तो रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है ना, तो हम सीधे सीधे रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। ठीक है गाइस, आप 10,000 से तो कुछ नहीं होना गए, आप थोड़ी कैपिटल बढ़ाओ, 50,000 रुपये तक करो तो आपका कुछ हो सकता है। 2,000-5,000 रुपये भी आपको मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। 10,000 में ज़्यादा ये 0-0 में ट्रेड लो फुल 0। ठीक है गाइस, तो हम हमारी कैपिटल मान लेते हैं 50,000 हमारी कैपिटल है। ठीक है, अब हमने 100 का ही प्रीमियम उठाया। ठीक है, 100 का प्रीमियम ऑप्शन में कोलिया पुट कोई और हमने 4 लोट उठाया। ठीक है, अब हमारी कैपिटल कितनी लगी, 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये लगी तो ये है निफ्टी का। अब आप 90 कर लो, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो और वो क्वान्टिटी तो 9,000, यानी कि अपना स्टॉप लॉस है 10 रुपये का और हम खोएंगे पैसा 1,000। ये हमारा ऑप्शन में स्टॉप लॉस हुआ 10 रुपये का। ठीक है, और हम खोएंगे 1,000 रुपये, याद रखने का है ना। अब कौन कौन कर सकता है इतना, कौन सेंसर कर सकता है इतना कि मेरे 10,000 लगे हैं 1,000 चले जाए, ये अच्छा नहीं लगेगा।
स्टॉक मार्केट है, लो स्टॉक को करना पड़ेगा जब भी, तो आप सीखोगे या आप लॉस करके ही सीखते हो। ठीक है, लॉस करके ही सीखा जाता है, जैसे किसी की वीडियो देखने से नहीं सीखा, नहीं सीख ही नहीं सकते। मैं खुद नहीं सीख पाया, मैंने खुद ने लॉस करा और फिर मैं सीखा। ठीक है, तो ये आप ऐसा कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस है तो जल्दी से हिट हो जा रहे हो। गाइस मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो को देखना, आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस भी बहुत कम हिट होगा। हाँ हिट होगा, 2% तो नहीं चलेगी वो स्ट्रेटजी, पर 70-80% चल सकती। आप जाके टेस्ट करना उसको, टेस्ट करोगे जब आपको पता चलेगा। ठीक है, और पेपर पे टेस्ट करना है, मार्केट में नहीं। ठीक है, जाकर जाहिर है कि मार्केट मार्केट में घुस जाओ, मार्केट में टेल लो, बोलो उन्होंने बताया था नहीं करना है। ठीक है, तो पहली तो ये आपको पता चल गया 10 रुपये का लॉस। ठीक है, अब मैं ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का मुझे बहुत पैसा आता है। निफ्टी का भी यही है कि 1000 रुपये का लॉस बहुत है, 1000 की कैपिटल पर 1000 का लॉस। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, कैलकुलेटर भी हटा दी। देखो, अगर आपको लगता है कि आपने 100 में प्रीमियम उठाया है और आपको स्टॉप लॉस 4 लोट में आपने ट्रेड कर दी निफ्टी में, ठीक है, 13,000 लगे, तो आपको ऐसा लगता है 1000 ज़्यादा है, तो आपको स्टॉप लॉस छोटा नहीं करना है, आपको क्वांटिटी छोटी करनी है। ठीक है, 100 का प्रीमियम तो ठीक है, प्रीमियम तो प्रीमियम की जगह प्रीमियम तो 200, 300, 500 जितना भी हो सकता है, पर आप यहाँ पे लोट गिरा दो, 4 की जगह 2 कर लो, तो आपका जो लॉस है वो 1000 की जगह 500 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में जो भी आप ट्रेड लो उसमें आप ऐसा रिस्क मैनेजमेंट करके रखो। आपको दो ही चीज़ पैसा कमा के देगी, एक तो डिसिप्लिन और एक मनी मैनेजमेंट, बाकी आप सबको भूल जाओ, स्ट्रेटेजी को भूल जाओ, स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता है। स्ट्रेटेजी में आप एक दिन पैसा बना लोगे, 2 दिन बना लोगे, पर जब जाएगा तो पूरा ही चले जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी। अब हम बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको मैं, रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, हम कैलकुलेटर में आपको अच्छे समझ में आएगा ये। कैलकुलेटर देखो गाइस, बैंक निफ्टी में जब फर्स्ट डे, जब बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने के बाद जब बैंक निफ्टी का फर्स्ट डे आता है, ठीक है, तो उस दिन उसके प्रीमियम जो एट द मनी होता है वो 350-400 के बीच में होगा, 300-400 के बीच में होगा। तो हमको क्या करना है, वो एट द मनी पे ट्रेड करना है। ओटीएम में जाना ही नहीं है, इन द मनी में भी आप मत जाओ, भले ही आप एट द मनी में ट्रेड करो। समझ लेते हैं, मान लेते हैं 300 रुपये का, ठीक है, 300 × 2। अब आपके पास कैपिटल कितनी है, 50,000। अब आपने लिए 3 लोट, आपने लिए 3 लोट, ठीक है, आपकी कैपिटल लगी 13,500 रुपये। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारी कैपिटल लगी 13,500 रुपये। ठीक है, अब 13,500 हमारी कैपिटल लग गई। अब हमारा लॉस कितना हुआ, हमारा जो लॉस हम 10 रुपये का ही रखते हैं, मैं तो जब भी ट्रेड लेता हूँ 10 रुपये का, तो खोने के लिए कम तो पाने के लिए ज़्यादा, 10 रुपये के आपके कितने स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया, अगर आप यूज़ करते हो तो आपका ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर आप अच्छा से करते हो। आप कहीं पे भी घुस हो गए तो फिर तो आपके हर जगह स्टॉप लॉस हिट है, पर अगर आप सोच के ट्रेड करते हो, हाँ ये अब बना है मेरा सेटअप, अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे सेटअप बनता है, अब मैं घुस सकता हूँ ट्रेड में, तो आप हर जगह पैसा कमाओगे। आपका 1 रुपये का स्टॉप, आपकी खरीद प्राइस से मार्केट का भी नीचे ही नहीं है, ऊपर ही जाएगा, तो नीचे आएगा भी 1-2 रुपये नीचे आएगा, 2-4 रुपये नीचे आएगा, तो उससे नीचे नहीं आएगा, सही जगह एंट्री होगी, तो एंट्री ढूंढो सही जगह। ठीक, तो हमारा जो स्टॉप लॉस, अब जैसे कि हमारी कैपिटल लग गई, ठीक है, 13,500 रुपये कैपिटल लग गई, हम हमने 300 रुपये पर बाइंग करी थी, प्रीमियम का चार्ज जो अपना चार्ट था उसका प्रीमियम 300 रुपये था। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपये का, जो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 13,500।
इतने का स्टॉप लॉस है हमारा, हमारे स्टॉप लॉस है गाइस 5,450 रुपये। अगर आपकी इच्छा है यार 10 रुपये का स्टॉप लॉस, तो मेरा बहुत जल्दी हिट हो जाता है, मैं 20 का लगाऊंगा, 15 का लगाओ, 20 का मत लगाओ। ठीक है, आपने सोच लिया कि स्टॉप लॉस सेट नहीं हो, मैं थोड़ा बफर रखता हूँ, ये वो, ठीक, स्टॉप लॉस तो आप टाइट ही लगाओ। टारगेट आप भले ही आपके हिसाब से जो आपको फ्लो फ्लो में लगे वो लो, या तो फिर बैठ के इंतजार करो, पर स्टॉप लॉस तो आप टाइट लगाओ, क्योंकि रिटेलर जो है आप और मैं, आपका पैसा यूं ही खत्म होता है इस स्टॉप लॉस की वजह से। स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए। हिट होगा ना, होने तो हिट हिट होगा, ये भी तो पता चलेगा कि हम गलती क्या करते हैं, फिर पता चलता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा, ये हमारी कैपिटल हो गई, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है गाइस, ये हमारी कैपिटल है और ये हमारा सेल है। अब हमारे को खोने के लिए 500 रुपये, अगर आप इसमें 10 रुपये का नहीं 20 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो 900 का हो जाएगा, 450, 450 प्लस 900, 20 रुपये का स्टॉप। तैयार हो आप खोने को 20 लगा सकते हैं, 900 का स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आप नहीं हो तो 450, 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, इसमें आपके 450, 450 अगर समझ लोगे 3 बार में चले गए, ठीक, 3 बार आपके 450 × 3 कितने हुए, 1350, 1350 आपके गए, लिखता हूँ यहाँ पे, 1350 गए। कितने लॉस हुए आपको, लॉस हुए आपको 3 लॉस, ठीक है, 3 लॉस हुए, 3 लॉस में आपके 1350 गए। अब आपको प्रॉफिट हो भी होगा, एक टू एक 3 लॉस तो होते ही जो तुम और होते हैं, तो ट्रेडिंग ही मैं कर देता हूँ। ठीक, अब अगर आपको एक टू एक, अब 1:2 लोग, ये 1:1, 450 से 1:1 लोगे तो कितना होगा, 450 का 450, 1:2 की ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो 10 रुपये खोने को 20 रुपये मिलेंगे आपको। अगर 3 ट्रेड में 20-20 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो एक ट्रेड में आपको 200 मिले, है ना, 200 × अपने 3 ट्रेड कितने हो गए, 27। हर ट्रेड में आपने डबल करा जो लॉस हो उसको, 1:2, 1:2, 1:2, 3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3 बार आपको प्रॉफिट हुआ, 2700 रुपये। अगर हम 2700 रुपये में से माइनस करते हैं कितने, 1350, कितना प्रॉफिट, अरे कैलकुलेटर सही नहीं चल रहा है क्या, 2700 माइनस 1350, 1350 का प्रॉफिट, ब्रोकरेज कटते आपको 1000 रुपये मिलेंगे, आपका तो प्रॉफिट हुआ आज। ये स्ट्रेटेजी, बस एक चीज आप समझो, स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, स्ट्रेटेजी रिस्क मैनेजमेंट की बनाओ, डिसिप्लिन की बनाओ, मनी मैनेजमेंट की बनाओ। पर जो बोलिंगर बैंड, इनकी भी स्ट्रेटेजी काम करती है, पर वो एंट्री अगर आप सही करते हो तो कहीं भी घुसोगे तो उसमें भी लॉस करोगे। स्ट्रेटेजी कोई सी भी खराब नहीं होती, पर स्ट्रेटेजी के पीछे भागना, आज ये यूज करना, कल वो करना, कल वो करना, परसों ये करना, आज उसकी देख लेना, कल उसकी स्ट्रेटेजी देख लेना, परसों उसकी स्ट्रेटेजी, ये खराब चीज। ठीक है, आप ये समझो कि स्टॉप लॉस टाइट रहो, टारगेट बड़ा पकड़ने की कोशिश करो, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, बड़ा टारगेट के लिए इंतजार करो, बैठो मार्केट में, चार्ट चार्ट को रखो, देखो ऐसा चार्ट को रखो, ऐसे क्लीन चार्ट पे कोई इंडिकेटर, इंडिकेटर लगाता हूँ मैं भी, इंडिकेटर देखो, ये में लगा है, एक ये में लगा है, ये लगा है, बोलिंगर बैंड लगा के रखो, चालू ऐसे करना, देखना कैसे, ऐसे ऐसे देख लो, वापिस बंद करो, चार्ट की रीडिंग सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कुछ आपको देखना है तो आप कमेंट में बताओ, वीडियो बनाएंगे उस पर भी। ठीक है गाइस, ठीक है, बाय बाय।